हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड वेलबीइंग। सो वेलकम बैक इन आवर चैनल। माय सेल्फ अभिषेक कुमार एंड वी फॉलो द मेंटर। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग यूनिट ऑफ द 11th एनसीईआरटी टेट, इज द प्लांट फिजियोलॉजी। सो इन दिस पर्टिकुलर यूनिट वी डिटेल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी चैप्टर व्हिच कंटेन इन दिस यूनिट। सो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड। एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय सोशल मीडिया हैंडल, सो आई प्रोवाइड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द बॉक्स ऑफ सेक्शन ऑफ माय चैनल। सो प्लीज गो थ्रू द अबाउट सेक्शन ऑफ माय चैनल एंड क्लिक द सोशल मीडिया आइकन एंड जॉइन विद अस। So I hope you all appreciated me. So watch the video and keep support. परेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है इसमें टेस्ट में। ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन हमारा कहाँ पे होता है? लीफ में होता है, और इसमें हेल्प करते हैं स्ट्रोमेटा। तो वही हमको बताया गया, ट्रांसपिरेशन जो होता है इवेपोरेटिव लॉस होता है, इवेपोरेटरी लॉस होता है वाटर का। इवेपोरेशन फॉर्म में लॉस होगा, वेपर फॉर्म में लॉस होगा। किस फॉर्म में? वेपर फॉर्म में लॉस होगा इसका, वाटर का बाई प्लांट, है ना। प्लांट के द्वारा वाटर का लॉस होता है वेपर फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। आगे क्या है? इट अकर मेनली थ्रू द स्टोमेटा इन लीफ। ये कहाँ पर होता है? स्पेशली कहाँ पर होता है? लीफ में होता है। कहाँ पर होता है? लीफ में होता है। ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपिरेशन कहाँ पर होता है? मेनली स्टोमेटा के थ्रू होता है, लीफ में। ठीक है, बिसाइड द लॉस ऑफ वाटर इन ट्रांसपिरेशन, है ना, स्टोमेटा जो लॉस होता है यानी ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के द्वारा होता है लीफ में। ठीक है, और इसके अलावा, बिसाइड का मतलब होता है इसके अलावा, बिसाइड का मतलब होता है के अलावा, है ना। बिसाइड यानी के अलावा, यानी ट्रांसपिरेशन के अलावा क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर इन ट्रांसपिरेशन, यानी वाटर में जो वाटर का लॉस होता है ट्रांसपिरेशन में, इसके अलावा क्या होता है? स्टोमेटा क्या हेल्प करते हैं? स्टोमेटा हेल्प किस में करते हैं? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी गैसियस एक्सचेंज में। किस में हेल्प करेंगे? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे, है ना। एंड ऑल्सो अकर्स, ये होता है किसके? स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, यानी वाटर को लॉस कराते हैं ट्रांसपिरेशन में, और भी क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, जिसके किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू ये भी होते हैं। यानी दिन के समय जो नॉर्मली स्टोमेटा होंगे नॉर्मल, वो ओपन होंगे, और रात के समय क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो होता है ना, ट्रांसपिरेशन वो दिन में ज़्यादा होता है, दिन में ज़्यादा होता है। सो इस वजह से ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं स्टोमेटा, तो दिन में ओपन होते हैं और रात में क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। द इमीडिएट कॉज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज चेंज इन द ट्रेजेडरी ऑफ द गॉड सेल, है ना। यानी स्टोमेटा का ओपन होना और बंद होना, यानी इमीडिएट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, है ना। ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये किस पे डिपेंड करती है? ट्रेजेडिटी पे, है ना। ट्रेजेडिटी पे, गॉड सेल की ट्रेजेडिटी पे डिपेंड करेगी, है ना। जो गार्ड सेल की टर्जिटी, गार्ड सेल होंगी उसकी टर्जिटी पे डिपेंड करेगी, यानी वो कैसे टर्गिड हो रही हैं, फ्लैसिड हो रही हैं, उस पर अगर टर्जिड हो जाएंगी और फ्लैसिड हो जाएंगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्टोमेटा ओपन और क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है? द इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल, जो गार्ड सेल होती हैं स्टोमेटा पोर को क्लोज करती हैं, है ना। ये होती हैं गार्ड सेल होती हैं, फिगर में आपको बताऊँगा। ये स्टोमेटल पोर गया, ये क्या? जी सेल हो गए, यानी गार्ड सेल होंगी। ठीक है, आगे क्या हुआ? द इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल, जो इनर वॉल होती है गार्ड सेल की, क्या होती है? टुवर्ड्स द पोर, यानी यानी स्टोमेटल अपर्चर की तरफ जो होगी, है ना, टुवर्ड द पोल। पोर ये मान लो स्टोमेटा हो गया, ये गार्ड सेल हो गए, तो ये जो वॉल होगी ये क्या होगी? थिक होगी। कैसी होगी? थिक होगी, है ना। इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल टुवर्ड द पोर यानी स्टोमेटल अपर्चर आर थिक एंड इलास्टिक, कैसी होती है? थिक होती है और इलास्टिक होती है। When turgidity increase, जब क्या होता है? turgidity increase कर जाती है, तो within the two guard cell flanking each stomata aperture or pore, है ना। जब turgidity increase कर जाएगी तो दोनों guard cell क्या करेंगी? stomatal aperture को क्या कर लेंगी? flank कर लेंगी, यानी घेर लेंगी। क्या कर लेंगी? घेर लेंगी। क्या करेंगी? घेर लेंगी, और वो घेर लेंगी। ठीक है, आगे क्या है? द थिन आउटर, जो आउटर वाल होती है वो कैसी होती है? थिन होती है, और बल्ज होती है बाहर की तरफ। आउटर वाल क्या होगी? आउटर वाल क्या होगी? थिन होगी और बाहर की तरफ बल्ज होगी। एंड फोर्स द इनर वाल इन टू ए क्रीसेंट शेप, है ना। और इनर वाल का वो फोर्स को झेलती है, सर्वाइव करती है। इनर वाल के जो फोर्स लगाएगा, मान लो गार्ड से ली हुई, अब ये थिक होगी, ये क्या हुई? थिन हुई, ये स्टोमेटल अपर्चर हुआ,
ठीक है। तो ये जो वाल हुई कैसी होगी, थिन होगी, क्योंकि आउटर है, है ना, आउटर है, ये थिन होगी, ठीक है। जो इनर वाल होती है कैसे क्रिसेंट शेप की होती है, यानी मून लाइक, कैसी, मून लाइक, चंद्राकार, है ना, मून लाइक होती है, ठीक है। आगे क्या है, द ओपनिंग, द ओपनिंग द स्टोमेटा इज ऑल्सो एडेड ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ द माइक्रोफिल, माइक्रोफाइब्रिल इन सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी ओपनिंग होती है, स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, ये कैसे, किसकी वजह से और होती है, ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल, माइक्रोफाइब्रिल जो होते हैं कैसे होते हैं, सेलुलोजिक होते हैं, सेलुलोजिक होते हैं, सेलुलोज के बने हुए माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, गार्ड सेल में पाए जाते हैं, है ना, कहाँ पे पाए जाते हैं, गार्ड सेल में पाए जाते हैं, गार्ड सेल वाला ऑफ गार्ड सेल में पाए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल का ओरिएंटेशन होता है, है ना, सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल ओरिएंटेशन होता है। ये कैसे रेडिली ओरिएंटेड होते हैं, कैसे होते हैं, रेडिली ओरिएंटेड रेदर देन लॉन्गिट्यूडिनली मेकिंग द इजियर टू स्टोमेटा ओपनिंग, है ना। जो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल होंगे ये रेडली ओरिएंटेड होते हैं, इसी वजह से स्टोमेटा की ओपनिंग है वो आसानी से हो जाती है ना, आसानी से ओपन हो जाते हैं स्टोमेटा। अगर ये लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होते है ना, अगर ये लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होते तो उतनी आसानी से स्टोमेटा ओपन ना हो पाता। तो इसीलिए ये बताया गया है ओरिएंटेड रेडली जो है वो प्रेजेंट है, इस वजह से ये इजिली स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। आगे क्या है, व्हेन द गार्ड सेल लूज स्ट्रक्चर, है ना, जब गार्ड सेल अपनी स्ट्रक्चरिटी को लॉस करती हैं, लूज करती हैं, तो क्या, वाटर लॉस की वजह से, है ना, जब गार्ड सेल अपनी स्ट्रक्चरिटी को लॉस करती हैं तो क्या, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, यानी वाटर स्ट्रेस की वजह से, तो क्या हुआ, वाटर स्ट्रेस होगा तो गार्ड सेल की स्ट्रक्चरिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा, द इलास्टिक इनर वाल रिगेन देयर ओरिजिनल से, तो इनर वाल जो होगी, इनर वाल होगी गार्ड सेल की, वो क्या, अपना रिगेन, यानी अपनी पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, वाटर लॉस हो गया, वाटर स्ट्रेस हो गई और गार्ड सेल की टर्जिटी कम हो गई, ठीक है। द गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, और गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाती हैं, है ना, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगी, और फिर क्या होगा, स्टोमेटा जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, स्टोमेटा कैसे हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, जब वाटर लॉस हो जाएगा तो गार्ड सेल अपनी ट्रेजिटरी लॉस कर देंगी, गार्ड सेल कैसी, फ्लैसिड हो जाएंगी, फ्लैसिड का मतलब मैंने बताया था, पिचक जाएंगी, क्या हो जाएंगी, पिचक जाएंगी, और पिचक जाएंगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, यूजली द लोअर सरफेस ऑफ ए डॉर्सी वेंट्रल, इसमें क्या बताया गया है, ज़्यादातर क्या होते हैं, लोअर सरफेस जो होती है जिसको क्या बोलते हैं, एबैक्सियल, एबैक्सियल सरफेस बोलते हैं, है ना, लोअर, लोअर में वी आया तो यानी एबैक्सियल, है ना, इसे हम समराइज करके पढ़ लेंगे कि जो यूजली लोअर सरफेस होती है डॉर्सीवेंट्रल लीप यानी डाइकॉट की लीप होती है, उसमें क्या होता है, लोअर सरफेस पे ज़्यादा नंबर पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, है ना, लोअर सरफेस पे डॉर्सीवेंट्रल लीप की ज़्यादा संख्या पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, जबकि आइसोबाइलेटरल लीप, आइसोबाइलेटरल लीप का मतलब होता है मोनोकॉट लीप, उसमें दोनों सरफेस पे क्या होते हैं, दो आइसोबाइलेटरल लीप यानी मोनोकॉट लीप में क्या होगा, इक्वल नंबर पे स्टोमेटा पाए जाएंगे, एबैक्सियल सरफेस पे यानी लोअर और अपर पे, अपर को क्या बोलते हैं, अपर को क्या बोलते हैं, एडैक्सियल, अपर को क्या बोलते हैं, एडैक्सियल, और लोअर को क्या बोलते हैं, एबैक्सियल, लोअर को क्या बोलते हैं, एबैक्सियल, यानी डॉर्सीवेंट्रल लीप में यानी डाइकॉट लीप में लोअर सरफेस में ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं, और क्या होगा, मोनोकॉट लीप में दोनों सरफेस में इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या बताया गया है, जो होगा ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन इज अफेक्टेड बाई सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर, है ना, ट्रांसपायरेशन बहुत सेवरल अदर फैक्टर होते हैं उसके द्वारा अफेक्ट होता है, उसके द्वारा प्रभावित होता है। अब एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा, बाहरी फैक्टर में क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगी यानी आर्द्रता जिसको बोलते हैं, ह्यूमिडिटी आ जाएगी, वाइंड की स्पीड आ जाएगी, है ना, कि वाइंड जो हवा चल रही है वो किस स्पीड में चल रही है, ये कैसे फैक्टर हुए, एक्सटर्नल फैक्टर हुए। और जो प्लांट के फैक्टर क्या हुए, प्लांट के फैक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनल फैक्टर बोलेंगे, ये बात याद रखेंगे। जो प्लांट के खुद के फैक्टर होंगे वो क्या इंटरनल फैक्टर होंगे, जो प्लांट के बाहरी फैक्टर जो होंगे ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट करेंगे वो कैसे फैक्टर होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर होंगे। अब इंटरनल फैक्टर में क्या बताया गया हमको, प्लांट फैक्टर डेट अफेक्ट ट्रांसपायरेशन, है ना, प्लांट के फैक्टर जो ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं वो क्या क्या हैं, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, कि
नंबर कितने नंबर में स्टोमेटा पाए जा रहे हैं, उनका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, परसेंट परसेंट ओपन स्टोमेटा, और क्या कितने परसेंटेज में जो स्टोमेटा हैं वो ओपन है ना, कितने परसेंटेज में स्टोमेटा हैं वो ओपन है उनका परसेंटेज, और वाटर स्टेटस, और क्या वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, प्लांट में वाटर का स्टेटस क्या है, प्लांट में वाटर कितने परसेंटेज पाया जा रहा है, उन सब चीज़ों के ये क्या है इंटरनल फैक्टर है। एंड कैनोपी स्ट्रक्चर, और उसकी जो स्ट्रक्चर है कैनोपी स्ट्रक्चर, मान लीजिए प्लांट हुआ तो इसके ये जो स्ट्रक्चर ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, पत्तों का झुंड का स्ट्रक्चर होता है, टहनियों का स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैनोपी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये बात याद रखेंगे। एंड ये सारे के सारे कैसे स्ट्रक्चर आए, ये कैसे स्ट्रक्चर आए, इंटरनल इंटरनल फैक्टर हुए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैं आपको पहले फिगर दिखा देता हूँ। ठीक है, फिगर दिखा देता हूँ। अब ये फिगर क्या दिखाया गया है, स्टोमेटल अपर्चर विद गॉड सेल, है ना, ये स्टोमेटल अपर्चर था, ये क्या था, स्टोमेटल अपर्चर दिखाया गया है। ठीक है, अब ये गॉड सेल है, गॉड सेल के जो इनर वाल हैं, ये इनर वाल जो स्टोमेटा के स्टोमेटल अपर्चर के पास में, सॉरी स्टोमेटल अपर्चर के पास में, और ये आउटर सेल जो हुई स्टोमेटल अपर्चर से दूर है, ये इनर वाली क्या थी, थिक थी, है ना, ये क्योंकि स्टोमेटल का स्टोमेटल अपर्चर का फोर्स को सर्वाइव कर रही थी, इसलिए थिक थी, और बाहर वाली कैसी वाल थी, थिन वाल थी। ठीक है, ये बात आप समझ गए थे। अब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एपिडर्मल सेल हुई, और ये गार्ड सेल के बगल वाली सेल जो है इनको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल बोलते हैं। अब ये क्या है, माइक्रोफाइब्रिल है, माइक्रोफाइब्रिल का क्या कहता है, ये रेडिली ओरिएंटेड थे, रेडिली ओरिएंटेड थे, इस वजह से जो स्टोमेटल की ओपनिंग हो रही थी वो मोस्ट इजीली हो जा रही थी, आसानी से हो जा रही थी, देन लॉन्गिट्यूडनली, अगर ये लॉन्गिट्यूडनली ओरिएंटेड होते हैं तो लॉन्गिट्यूडनली मतलब ऐसे ऐसे ओरिएंटेड होते तो क्या होता, इनकी ओपनिंग आसानी से नहीं होती। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, जब ये गॉड सेल क्या हो जाएंगी, गॉड सेल जब ये फ्लैसिड हो जाएंगी तो ये स्टोमेटल अपर्चर जो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, स्टोमेटल अपर्चर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आगे क्या है, आगे अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि ट्रांसपरेशन के फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर रहे थे वो हमने देख लिया, इंटरनल और इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स सारी की सारी चीज़ें देख ली। अब क्या है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन ड्राइवन एसेंट ऑफ जाइलम सैप डिपेंड मेनली ऑन बाय फॉलिंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, है ना, जो होता है ट्रांसपायरेशन ड्राइवन होता है एसेंट ऑफ द जाइलम सैप, डिपेंड करता है किस पे, प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर की, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर पे, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर क्या हुई उसको देखते हैं। अब क्या है, कोएसन, है ना, क्या है, कोएसन और रेडिएशन, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि क्वेश्चन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, क्वेश्चन क्या होते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, है ना, इसमें क्या हुई, सेम चीज क्वेश्चन में क्या हुई, सेम चीज, सेम सेम, यानी इसमें चीज़ों का अट्रैक्शन होगा किसके किसके, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा, यानी सेम सेम चीज़ हुई उनके बीच में अट्रैक्शन हुआ। और एडिशन का मतलब क्या हुआ, एडिशन मतलब चीज़ें जुड़ेंगी, जुड़ेंगी यानी अपोजिट चीज़ें जुड़ती हैं। ठीक है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अट्रैक्शन होगा वाटर मॉलिक्यूल का पोलर सरफेस टू पोलर सरफेस सच एज ट्रैकेट्स एलिमेंट, है ना, ट्रैकेट्स एलिमेंट होंगे यानी जो जाइलम होंगे, जाइलम होंगे उनके जो ट्रैकेट्स एलिमेंट होंगे उसके बीच पोलर सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एडिशन बोलेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन को प्रेस्ड तनाव बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेस्ड तनाव, प्रेस्ड तनाव ना, सरफेस टेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेस्ड तनाव बोलते हैं ना, सरफेस टेंशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्ट टू ईच अदर इन ए लिक्विड फेस, इसमें क्या होगा, सरफेस टेंशन में क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को लिक्विड फेस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना, मोर देन द वाटर इन गैस फेस, यानी सरफेस टेंशन में क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल लिक्विड फेस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं देन गैस फेस, है ना, गैस फेस में वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करेंगे पर लिक्विड फेस में ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब आगे क्या बताया गया हमको, दीज प्रॉपर्टी गिव हाई वाटर टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, वाटर को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं, ये प्रॉपर्टी क्या करेंगी, कोएसन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी तीनों प्रॉपर्टी क्या करें, वाटर को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, यहाँ पे है एन एबिलिटी टू रेजिस्ट द पुलिंग फोर्स, यानी
एक एबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, एक योग्यता प्रोवाइड कराती हैं पुलिंग फोर्स को रजिस्ट करने के लिए, झेलने के लिए, है ना, रजिस्ट करने के लिए, झेलने के लिए, उसका सामना करने के लिए। ये तीनों प्रॉपर्टी वाटर को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि वो एबिलिटी रजिस्ट पुलिंग फोर्स को रजिस्ट कर पाए, ठीक है। एंड हाई कैपेबिलिटी, और हाई कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। कैपेबिलिटी क्या होता है? द एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब, है ना, कि वो अपने आप को थिन ट्यूब में चीजें कैसे राइज करें। मान लो एक चीज, एक ट्यूब इतनी है, है ना, एक ट्यूब का डायमीटर इतना है और एक ट्यूब का डायमीटर क्या इतना है, तो जिस ट्यूब का डायमीटर ज़्यादा है ना, तो उसमें चीज़ें आसानी से ऊपर नहीं जा पाएंगी, है ना, उसमें बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा। और पतली वाली ट्यूब में क्या होगा, चीज़ें वाटर आसानी से चला जाएगा, इसमें कम फोर्स में चीज़ें आसानी से जाएगी, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे क्या है, जिसका ज़्यादा डायमीटर होगा उसमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जिसमें डायमीटर कम होगा उसमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा, कैपिलरिटी का मतलब यही है, ठीक है। इन प्लांट्स कैपिलरिटी इज एडेड बाय स्मॉल डायमीटर, इन प्लांट्स में क्या होता है, कैपिलरिटी को एडेड किया जा सकता है, कैपिलरिटी जो होती है हेल्प करती है इसमें, स्मॉल डायमीटर में ऑफ ट्रैकेट्स एलिमेंट, यानी ट्रैकेट्स के एलिमेंट में कैपिलरिटी हेल्प करती है स्मॉल डायमीटर करने में, किसमें, ट्रैकेट्स और वेसल्स एलिमेंट, है ना, यानी ट्रैकेट्स एलिमेंट में क्या हुए, ट्रैकेट्स और वेसल्स के एलिमेंट आ गए, ठीक है, एलिमेंट आ गए। आगे क्या है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, वाटर की जरूरत होती है, हमको पता है ना, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर वाटर, यानी फोटोसिंथेसिस में वाटर की जरूरत होती है। द सिस्टम ऑफ जाइलम वेसल्स फ्रॉम रूट टू लीफ व्हेन कैन सप्लाई नीडेड वाटर, तो अब इसमें क्या हुआ, जो फोटोसिंथेसिस में वाटर की जरूरत होती है, तो जाइलम होते हैं ना, जाइलम वेसल्स होती हैं, जाइलम वेसल्स क्या करेंगी, वाटर को सप्लाई करेंगी फ्रॉम रूट से, है ना, रूट से लीफ की तरफ वाटर को सप्लाई करेंगी, जितनी वाटर को, प्लांट की वाटर की ज़रूरत है, ठीक है। आगे क्या है, बट व्हाट फोर्स, बट क्या फोर्स, वो कौन सा फोर्स होता है, बट व्हाट फोर्स डज ए प्लांट यूज टू मूव वाटर मॉलिक्यूल इन टू लूप लीफ, है ना, वो कौन सा फोर्स होता है, वो कौन सा फोर्स होता है, वो कौन सा फोर्स होता है जो कि प्लांट को वाटर मूव करते हैं इनटू लीफ में, है ना, वाटर मूव होता है लीफ में, पैरेन्काइमा सेल वेयर दे आर नीडेड, है ना, और कौन सी पैरेन्काइमा सेल होती हैं जो वहाँ पे पाई जाती हैं, उनको ज़रूरत होती है पैरेन्काइमा सेल को वाटर की, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, अब इसमें आपसे पूछा गया है, फोर्स पूछा गया है, तो कौन सा फोर्स होगा, ट्रांसपायरेशन पुल, कैसा होगा, ट्रांसपायरेशन पुल होता है जो सारे के सारे काम करता है, ठीक है, ये सारे के सारे काम ट्रांसपायरेशन पुल करता है। एज वाटर इवेपोरेटेड, और वाटर इवेपोरेट होता है, एज वाटर इवेपोरेटेड थ्रू द स्टोमेटा, सिंस थिन फिल्म ऑफ वाटर ओवर द सेल इज कंटिन्यूअस, इट रिजल्ट द पुलिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल इनटू द लीफ फ्रॉम द जाइलम, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ, जब वाटर इवेपोरेट होता है, लॉस होता है स्टोमेटा से, है ना, तो उसमें क्या होता है, एक थिन फिल्म बन जाती है वाटर की, एक पतली सी लेयर बन जाएगी वाटर की ऑफ सेल में, जो कि कंटिन्यूस होती है, वो क्या करती है, रिजल्ट इन पुलिंग ऑफ वाटर, वाटर को पुलिंग यानी वाटर को खींचने में हेल्प करती है, मॉलिक्यूल बाई मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से जोड़ेगी, है ना, और वाटर को खींचने में हेल्प करेगी, इन टू द लीफ फ्रॉम द जाइलम, लीफ से जाइलम में ये सब काम करती है, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, आल्सो बिकॉज ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर, आल्सो बिकॉज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फियर एज कम्पेयर टू सब स्टोमेटल कैविटी एंड इंटरसेलर स्पेसेस, वाटर डिफेज इनटू द सराउंडिंग एयर, दे क्रिएट द ट्रांसपायरेशन क्रिएट पूल, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जो कंसंट्रेशन होती है वाटर की, कंसंट्रेशन होती है बिकॉज द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में क्या होती है, वाटर वेपर की कंसंट्रेशन होती है वो लो होती है एज कम्पेयर टू सब स्टोमेटल कैविटी, सब स्टोमेटल कैविटी में वाटर की कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी, तो यहाँ से क्या होगा, जो यहाँ पे सब स्टोमेटल कैविटी और इंटरसेलुलर स्पेसेस में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सारी की सारी चीज़ें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाने की सोचती हैं, है ना, लॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो क्या होगा, स्टोमेटल कैविटी और इंटरसेलुलर स्पेसेस में वाटर ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर में कम है, तो यहाँ से चीज़ें पानी निकल जाएगा, तो वाटर डिफ्यूज इनटू सराउंडिंग एयर, तो यहाँ से वाटर बाहर की तरफ निकल जाएगा, सराउंडिंग एयर में निकल जाएगा, दिस क्रिएट ए पूल, ये क्या है, क्रिएट करती हैं, पूल क्रिएट करती हैं, ठीक है। आगे क्या है, मेजरमेंट रिवेल
that the force generated by transpiration can create pressure sufficient to lift a Jylon size column over 130 meter per height, है ना। तो ये मेजरमेंट से पता चला कि जो फोर्स जनरेट होता है ना, जो फोर्स जनरेट होता है ट्रांसपायरेशन यानी ट्रांसपायरेशन पुल जो फोर्स जनरेट करते हैं वो क्या करते हैं, एक सफिशियंट प्रेशर होता है जो कि जाइलम के साइज का है ना, जाइलम को जो साइज होता है, जाइलम मसल का जो साइज होगा वो क्या है, उसमें उससे साइज कितने वाटर जो 130 मीटर हाइट तक जाता है ना, इतनी हाइट तक जाता है, ये ट्रांसपायरेशन पुल के द्वारा होता है। सारी की सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ट्रांसपायरेशन पुल के द्वारा ही क्रिएट होती हैं, ठीक है, समझ गए होंगे ना, आप समझ गए होंगे। ये बोला है इसमें कि जो मेजरमेंट होता है इससे पता चलता है कि जो फोर्स जनरेट होता है ट्रांसपायरेशन यानी ट्रांसपायरेशन पुल से जो फोर्स जनरेट होगा वो क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करता है, वो प्रेशर सफिशियंट होता है किसके लिए, लिफ्ट ए जाइलम साइज यानी जाइलम के साइज में वाटर को कितने 130 मीटर हाइट तक ले जाने के लिए, ठीक है। अब आगे क्या हमको फिगर दिखाया गया है, फिगर में बताया गया है वाटर मूवमेंट इन लीफ यानी वाटर का मूवमेंट लीफ में, इवेपोरेशन फ्रॉम द लीफ एंड सेटअप द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द आउटसाइड एंड एयर ऑफ स्पेस ऑफ द लीफ, है ना, आउटसाइड और एयर ऑफ स्पेस की लीफ में द ग्रेडियंट ट्रांसमिटेड इन टू द फोटोसिंथेटिक सेल, जो ग्रेडियंट होता है ट्रांसमिटेड होता है यानी भेजा जाता है फोटोसिंथेटिक सेल में एंड और वाटर फिल्ड जाइलम इन द लीफ वेन, और वाटर कहाँ पे जाइलम लीफ और वेन में फिल्ड होता है। अब हमको फिगर दिखाते हैं आपको, ठीक है, फिगर में क्या है, फिगर देखते हैं, फिगर में क्या बताया गया है ये देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, ये जो सरफेस हुई कैसी हुई, एडैक्सियल हुई यानी अपर हुई, है ना, और ये कैसी हुई, एबैक्सियल हुई। अब ये डाइकॉट का दिखाया गया हमको एग्जांपल, है ना, डाइकॉट का फिगर दिखाया गया क्योंकि डाइकॉट में जो होते हैं ये पहले सेट और स्पंजी पैरेन्काइमा पाए जाते हैं, ठीक है, ये पहले सेट पैरेन्काइमा पाया गया और ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, कहते हैं कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसमें क्या है, और हम कैसे जान गए कि ये डाइकॉट का है, क्योंकि इसके जो लोअर सर्फेस में स्टोमेटा पाए जा रहे हैं और अपर सर्फेस में स्टोमेटा नहीं पाए जा रहे हैं, क्योंकि डाइकॉट लीफ में लोअर सर्फेस में स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं और अपर सर्फेस में नहीं होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, गॉड सेल है, ये गॉड सेल दिखाई गई हमको, और ये क्या है, स्टोमेटल अपर्चर दिखाया गया है ये वाला, ठीक है। अब ये क्या है, जाइलम हुआ है, ये फ्लो है, ये फ्लोएम हो गया, है ना, डिफ्यूजन। अब ये क्या हुआ, स्टोमेटा क्या हेल्प करेंगे, डिफ्यूजन इनटू सराउंडिंग एयर, यहाँ सराउंडिंग एयर में ट्रांसपायरेशन हेल्प करेंगे और क्या करेंगे, गैसेज एक्सचेंज करेंगे, है ना, स्टोमेटल पोर हो गया, गैसेज एक्सचेंज करेंगे, स्टोमेटा का काम होता है ट्रांसपायरेशन कराते हैं, गैसेज एक्सचेंज कराते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है वो देख लेते हैं हम लोग, आगे क्या है, ट्रांसपायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एज ए कम्प्रोमाइज, ट्रांसपायरेशन और फोटोसिंथेसिस क्या है, एक समझौता है, है ना, एक समझौता है, कैसे समझौता है, उन सब चीज़ों को देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। ट्रांसपायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ए कम्प्रोमाइज, ठीक है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन हैज मोर देन वन पर्पज, ट्रांसपायरेशन में एक से ज़्यादा पर्पज होते हैं, वो पर्पज कौन कौन से हैं ये मैं बताता हूँ आपको। ट्रांसपायरेशन क्या करता है, क्रिएट ट्रांसपायरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स, है ना, ये होता है जो ट्रांसपायरेशन होगा उसके एक से ज़्यादा पर्पज होते हैं, वो ट्रांसपायरेशन पुल को क्रिएट करता है और एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्लांट, और एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट प्लांट में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन पुल से चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। आगे क्या हुआ, सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन वो क्या करता है, वाटर की सप्लाई करता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ही वाटर की ज़रूरत होती है, उसके लिए वाटर को सप्लाई करता है। ट्रांसपोर्ट मिनरल्स, ये मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना, और ये क्या करेगा, मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ से, सॉइल से और सारे प्लांट के पार्ट में, ठीक है, सॉइल टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये करेगा लीफ को क्या करेगा, लीफ सर्फेस को कूल करेगा, लीफ सर्फेस को ठंडा बनाएगा, लीफ सर्फेस को कूल करेगा, और कुछ समय क्या करता है, 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है, भाई इवेपोरेटिंग कूलिंग, है ना, इवेपोरेट पानी को इवेपोरेट करेंगे, ये चीज लीफ की सर्फेस को 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर कम कर देता है, ठीक है। आगे क्या दिया है, मेंटेन द सेप एंड स्ट्रक्चर, है ना, ये सेप को मेंटेन करता है
और स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, जिससे क्या होता है प्लांट सेल टर्जिट रहती है ना, प्लांट सेल को टर्जिट बनाए रखता है, जिससे उसका शेप और प्लांट का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, एन एक्टिवली फोटोसिंथेटिक जो एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट होंगे तो उनमें क्या होगा है ना, एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट हैज इन स्टेबलाइज नीड फॉर वाटर है ना, उनमें क्या होता है वाटर की जरूरत होती है, इन स्टेबलाइज होती है। फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाई अवेलेबल वाटर है ना, फोटोसिंथेसिस होती है लिमिटेड होती है अवेलेबल वाटर विच कैन बी स्विफ्टली डिप्लीटेड बाई ट्रांसपायरेशन, स्विफ्टली डिप्लीटेड बाई ट्रांसपायरेशन। द ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट इज लार्जली ड्यू टू द वास्ट साइक्लिक वाटर फ्रॉम रूट टू लीव एटमोसफियर बैक इन सॉइल है ना, तो ये क्या होता है जो रेन फॉरेस्ट की क्या होती है, रेन फॉरेस्ट में क्या ह्यूमिडिटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्यों ज़्यादा होती है क्योंकि क्या होता है ये साइक्लिक वाटर जो ट्रांसपायरेशन हुआ, ट्रांसपायरेशन का इवेपोरेटिव लॉस हुआ, ट्रांसपायरेशन से वाटर लॉस हो गया, फिर वही साइक्लिक होकर वाटर फिर सॉइल में आ जाता है ना, हमारे बादल बादल से पानी निकलता है, बादल जब बरसते हैं तो वही पानी क्या होता है फिर सॉइल में आ जाता है, ये साइक्लिक चलती रहती है, साइकिल चलती रहती है वाटर ट्रांसपोर्ट से और वाटर का फिर से सॉइल में आने का। ठीक है, इसी वजह से रेन फॉरेस्ट की जो ह्यूमिडिटी होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि साइक्लिक वाटर होता है, फिर रूट टू लीफ में रूट से लीफ में जाता है, लीफ से क्या हुआ एटमॉस्फेयर में गया, फिर बैक कहाँ हो गया सॉइल में आ गया, वाटर रूट से लीफ में, लीफ से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से सॉइल में। ठीक है, ये साइकिल चलती रहती है। अब आगे क्या बताया गया है, द इवोल्यूशन ऑफ द सी4 फोटोसिंथेटिक सिस्टम है ना, जो इवोल्यूशन होता है सी4 साइकिल होती है, सी4 फोटोसिंथेटिक सिस्टम होता है, इसमें क्या इज प्रॉबली वन ऑफ द स्ट्रेटजी टू मैक्सिमाइज एबिलिटी ऑफ CO2 है ना, ये जो CO2 जो बनती है सी4 फोटोसिंथेटिक सिस्टम में तो क्या करती है मैक्सिमाइज, ये CO2 को मैक्सिमाइज यूज कर लेते हैं ना, मैक्सिमम CO2 को यूज कर लेते हैं वाइल मिनिमाइज वाटर लॉस, और ये वाटर लॉस को कम करते हैं, यानी सी4 प्लांट जो होते हैं वो CO2 ज़्यादा से ज़्यादा CO2 एटमॉस्फेयर से यूज कर लेंगे, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होती है कि CO2 एटमॉस्फेयर में होगी तो ह्यूमन के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसीलिए प्लांट जो होते हैं सी4 प्लांट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 यूज कर लेते हैं और वाटर के लॉस को मिनिमाइज करते हैं है ना, वाटर के लॉस को कम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा CO2 यूज करते हैं। सी4 प्लांट आर ट्वाइस एज एफिशियंट है ना, जो सी4 प्लांट होते हैं वो दोगुना एफिशियंट होते हैं C4-3 प्लांट से, जो C4 प्लांट होते हैं वो दुगना इफिशियंट होते हैं किससे, C3 प्लांट से, किसके टर्म में, फिक्सिंग ऑफ कार्बन है ना, कार्बन को फिक्स करने में, यानी CO2 को फिक्स करने में है ना, CO2 को फिक्स करने में वो C4 प्लांट जो होते हैं वो C3 से दुगना इफिशियंट होते हैं है ना, फिक्सिंग ऑफ कार्बन फिक्स करेंगे क्या बनाएंगे, शुगर बनाएंगे। ठीक है, यानी फूड बनाएंगे। और हाई वर्थ C4 प्लांट लॉसेस ओनली हाफ मच वाटर एज C3 प्लांट्स है ना, और जो C4 प्लांट होंगे वो आधा वाटर, मतलब जितना C3 प्लांट वाटर लॉस करता है उससे आधे में C4 प्लांट वाटर लॉस करेगा, और उससे दुगना क्या करेगी C4 प्लांट, दुगना C3 प्लांट से शुगर बनाएगी। ठीक है, आगे क्या है, और देखो सीधा सा मतलब है C4 प्लांट जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 फिक्स करेंगे है ना, और कम से कम वाटर को लॉस करेंगे है ना, वाटर को लॉस कम से कम करेंगे। जो C4 प्लांट होते हैं वो C3 प्लांट से आधा वाटर लॉस करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए उसे आधा अमाउंट ऑफ वाटर लॉस करते हैं। ठीक है, सो ये था ट्रांसपायरेशन और फोटोसिंथेसिस में कंपैरिजन। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, इसमें हम आगे का फर्दर टॉपिक कवर करेंगे। तो आई होप यू लाइक माय सेशन, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड्स, तो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव अ नाइस डे।